दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वर्किंग इंटरव्यू बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स लेके। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोडक्शन वैकेंसी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर के लिए, यहाँ पे एम फार्मा BSc MSc 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पैकिंग में ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर के लिए, जहाँ पे एम फार्मा BSc MSc 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी फ्रेशर के लिए अच्छा मौका है। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ प्रोडक्शन में ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसीज हैं, जहाँ पर डिप्लोमा ITI BA BCOM 1 to 7 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ वेयर हाउस के लिए वैकेंसी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर के लिए, जहाँ पर BA BCOM MCOM 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इंजीनियरिंग में मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जहाँ पर BE ME मैकेनिकल से 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियरिंग वैकेंसी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव BE ME जो मैकेनिकल 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियरिंग में ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, तो यहाँ फिटर वाटर सिस्टम HVAC TP इलेक्ट्रीशियन बॉयलर के लिए वैकेंसी। आप क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा IT मांगा 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। QA के लिए वैकेंसी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए, जहाँ पे BE Pharma MSc BSc 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। QC के लिए वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव सीनियर ऑफिसर ऑफिसर के लिए, जहाँ पे BE Pharma MSc BSc 0 to 6 ईयर एक्सपीरियंस। माइक्रोबायोलॉजी के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर सीनियर ऑफिसर ऑफिसर के लिए MSc BSc 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। दोस्तों ये 7 मार्च 2021 को इंटरव्यू होने वाला है, 10 से 4 बजे तक चलेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है 7069-66-3662 अहमदाबाद लोकेशन है, तो आप कांटेक्ट करके ही यहाँ इंटरव्यू देने जाएँ। पहले कांटेक्ट करें देन आप इंटरव्यू देने जाएँ। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे MSN लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड 9/3/2021 ट्यूजडे को इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो QC डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या BE Pharma MSc फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। और दोस्तों ये इंटरव्यू जो 9 बजे से 12 बजे तक चलने वाला है, अगर आप मास्क नहीं होगा आपके पास तो एंट्री नहीं हो पाएगी। यहाँ पूरा एड्रेस दिया गया तेलंगाना, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर है 7093871515। आपको यहाँ पर दोस्तों अपना रिज्यूम, फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट, इंक्रीमेंट लेटर, लेटर 3 मंथ का पे स्लिप, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड की कॉपी लेके जाना है ओरिजिनल के साथ। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर बॉर्डर केमिकल्स लिमिटेड यूनिट्स 11। यहाँ पर दोस्तों शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी, जहाँ पर क्वालिफिकेशन BSc MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया गया है किस किस का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग, रॉ मटेरियल प्लानिंग एंड शिफ्ट हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर इन केमिकल प्लांट, मेल आई डी दी गई है जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं jobs@bodal.com। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो दोस्तों 11/3/2021 से भरा जाएगा और ये दोस्तों 2/4/2021 तक इसका रहेगा। इसका एडमिट कार्ड 10/4/2021 को आ जाएगा और एग्जामिनेशन जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो 17/4/2021 तक आने की संभावना है, होने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी दी हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेटर्स ऑपरेशंस, तो यहाँ पे दोस्तों वो बता दिया गया है 6 वैकेंसी हैं, अंडर रिजर्व में 4 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, वोमेन के लिए 1 है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में BE BTECH इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और यहाँ पे कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा, लेकिन आपका यहाँ पे 60% होना अनिवार्य है अगर आप अंडर रिजर्व OBC कैटेगरी में हैं। अदर कैटेगरी में तो 50% चलेगा। यहाँ पर एज लिमिट बता दी गई आपको 21 से 28 ईयर, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए वैकेंसी है। दोस्तों नेक्स्ट आप देख रहे हो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसीज, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया गया 186 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर रिजर्व में 76, EWS के लिए 18, OBC के लिए 50, SC के लिए 19, ST के लिए 3, वुमेन के लिए 37,
तो यहाँ पे इस तरीके से बांटी गई हैं। यहाँ पे 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और वही चीज़ें 60% जो है आपका अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए होना चाहिए, 50% अदर कैटेगरी के लिए जो SC ST है। यहाँ पे 21 से 28 ईयर मांगा गया है। नेक्स्ट दोस्तों आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो 52 वैकेंसी हैं, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, आप खुद देख रहे हो सामने। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन IT मांगा गया है, जो NCVT SCVT इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विद 60%, वही तरीका यहाँ पे के अनरिजर्व के लिए EWS OBC कैटेगरी के लिए इतना, और बाकी SC ST के लिए 50%। नेक्स्ट आप देख रहे होगे SNT के लिए वैकेंसी है, जहाँ 24 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, IT मांगा गया है, NCVT SCVT जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड विद मिनिमम 60% अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए, बाकी 50%। नेक्स्ट बात करूँ सिविल वाले के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ 24 वैकेंसी है, यहाँ पे भी IT मांगा गया, वही तरीका है, रिलेटिव ट्रेड फिटर से होना चाहिए, मतलब 21 से 28 ईयर एज लिमिट। यहाँ पर दोस्तों पूरा आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है, ऐसे आपको खुद से पढ़ना है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है, फिर भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर जो 0E01 कोड है जिसका, उसका दोस्तों आपको यहाँ बता दिया गया है कि रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्ज़ाम, और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे, और स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे 3 स्टेज हैं, जो दोस्तों रिटन टेस्ट और यहाँ पे PE टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो दोस्तों आपको बताया था ऑलरेडी मैंने, अलग अलग ट्रेड्स के लिए है, तो दोस्तों NE 2, 3, 4 जहाँ पे भी वही 2 स्टेज हैं यहाँ पे, लेकिन रिटन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपके यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आप इसे क्वालिफाई कर जाते हो तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी का डिटेल में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई, रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, कितने मार्क्स किसके कैसे कैसे आएंगे, वो सेंटर कहाँ पड़ेगा, सेंटर देखो आपको बता दिया गया यहाँ पे, बहुत सारे सेंटर से जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, बहुत सारे वाराणसी, गोरखपुर और भी हैं, जिन्हें आप खुद से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपका पूरा जो भी है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग सारी चीज़ें बताइए, ट्रेनिंग प्रोविजन फी डेट 2 ईयर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी रहेंगी। अच्छे से पढ़ लें और बाद में ये अप्लाई करें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। रिजर्वेशन, एज रिजर्वेशन, वो सब बता दिए गए यहाँ पे, क्या क्या छूटें दी गई हैं। अप्लाई करने की बात आती है तो अप्लाई करने के लिए आपको www.UPMETRORAIL.com पे जाना रहेगा, वहाँ जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो पहले वहाँ जाएं और रिक्रूटमेंट्स में जाके इसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट जो जो यहाँ पर बताए गए हैं वो पहले इकट्ठा कर लें। जनरल इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, जिन्हें खुद से पढ़ लें। जी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। जय हिंद, जय भारत।